प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद के खिलाफ कारगर कार्रवाई के लिए केंद्र और राज्यों की संयुक्त रणनीति पर दिया जोर। 10 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एनसीटीसी को लेकर नहीं बन पाई सहमति। राज्यों ने बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। केंद्र ने राज्यों के ऐतराज को बताया सुरक्षा के साथ खिलवाड़। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पाकिस्तान से उपज रहे जिहादी आतंक के प्रति चेताया। कहा आईएसआई पंजाब में फिर से भड़काना चाह रहा है आतंक के शोले। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने आतंक के शक में 3 पाकिस्तानी नागरिकों को किया गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते भारत में इन्होंने किया था प्रवेश। इशरत जहां कथित फर्जी एनकाउंटर केस में निलंबित पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा को भी सीबीआई कोर्ट ने सोमवार तक सीबीआई हिरासत में भेजा। कैबिनेट द्वारा पास किए गए रियल एस्टेट बिल में फर्जी बिल्डरों के खिलाफ किए गए हैं कारगर प्रावधान। 1000 स्क्वायर मीटर से अधिक एरिया में घर बनाने वालों को अपने प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराना होगा जरूरी। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 2% बढ़ाकर 8% कर दिया। इसके साथ ही प्लैटिनम पर आयात शुल्क भी 6% से बढ़ाकर 8% किया गया है। रेनवैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। कंपनी पर कथित रूप से मिलावटी दवाओं का उत्पादन और बिक्री करने के आरोप में यह याचिका दर्ज की गई है। बेंगलोर शहर फिर हुआ शर्मसार। युवती 5 साल से कमरे में कैद रखने की घटना के एक दिन बाद आया एक और मामला। बेटे ने रखा बाप को छत पर जंजीरों से जकड़कर। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग को लेकर दिल्ली पुलिस ने कल राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक राज कुंद्रा और उनके कारोबारी सहयोगी उमेश गोयनका से नई दिल्ली में कई घंटे तक पूछताछ की। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान के 66 साल के इतिहास में पहली बार एक लोकतांत्रिक सरकार ने दूसरी लोकतांत्रिक सरकार को सौंपी है सत्ता। भारत ने नवाज शरीफ के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जताई है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने उन्हें बधाई दी है। सीरिया की सेना ने लेबनान की सीमा से लगे कुसैर शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। इससे हिजबुल्ला ने भी सीरियाई सेना को मदद दी। अरब लीग ने गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में इस्लामी चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला की भूमिका की निंदा की है। अमेरिका ने ईरान से तेल के आयात पर प्रतिबंध को लेकर भारत और 8 अन्य देशों को इससे छूट दे दी है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने पिछले 6 महीनों में ईरान पर तेल को लेकर अपनी निर्भरता कम की है। तुर्की में युवाओं का प्रदर्शन 6ठे दिन और भी उग्र हुआ। एक पुराने पार्क पर शॉपिंग मॉल बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन कई शहरों में फैले। अफगानिस्तान के कांधार में लोगों ने अमेरिकी सैनिक रॉबर्ट बिल्स को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बिल्स ने हाल ही में 16 अफगान नागरिकों को गोली मारकर हत्या करने का दोष स्वीकार किया था। प्रख्यात हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद अली की बेटी लैला अली ने कहा है कि उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक है। पार्किंसंस रोग से जूझ रहे 71 वर्षीय बॉक्सर ने स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अमेरिका में 102 वर्षीय महिला ने अनोखे ढंग से मनाया जन्मदिन। पैराशूट के जरिए पुल से लगाई छलांग। अमेरिका में 84 वर्ष की उम्र की महिला ग्लोरिया मैकेंजी की खुली किस्मत। $590 मिलियन की खुली लॉटरी।
आज से शुरू हो रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले मैच में विश्व चैंपियन भारत का सामना कार्डिफ में दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा। टीम के लिए भारतीय टीम की तैयारियां पूरी दिख रही हैं क्योंकि टीम ने अपने दोनों अभ्यास मैचों में शानदार जीत हासिल की है। फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के राफेल नडाल के बीच होगा सेमीफाइनल मुकाबला। महिला वर्ग के पहले सेमीफाइनल में रूस की मारिया शारापोवा और बेलारूस की विक्टोरिया अजरेंका होंगी आमने सामने।